सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा शुरुआत में ही सबसे अधिक प्रयत्न लगता है, पर शुरुआत करने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि हजारों मील के सफर की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। सब्र करो, मेहनत रंग लाएगी, कोशिश भी ना करे तो किस्मत क्या काम आएगी। लोग के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक उसूल है, जिसकी वजह से पानी पीते रहें वो कभी सूखता नहीं है। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। आज का पंचांग 16 नवंबर 2021 दिन मंगलवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि, सुबह 8:01 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 8:14 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:54 से 4:16 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:49 से 12:33 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 8:14 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर दोपहर 1:09 तक रहेंगे। इसके उपरांत वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि 16 नवंबर 2021 दिन मंगलवार, पिछले दिनों की चिंताओं से आप अचानक राहत महसूस करेंगे। अगर मौका मिले तो कोई यात्रा करें या दिलचस्प कोर्स में भाग लें। आप आध्यात्मिक मामलों में भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आपके पिता या अंकल आपके लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। रिश्ते अक्सर आपसे समझ और विश्वास पर आधारित होते हैं। आशा पाएंगे कि आपके दोस्त हर तरह से आपकी मदद कर रहे हैं और बदले में उन्हें भी सहायता की जरूरत है। प्रतिद्वंदी भी आपकी तरफ होंगे, वो सभी लोग जो आपके हौसलों को बढ़ावा देंगे और आपको प्रेरित करेंगे। उनके साथ अच्छा समय व्यतीत करें। राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। नई योजनाएं तथा नए उपक्रम के लिए समय अनुकूल है। बच्चों को किसी समस्या को सुलझाने में आपका महत्वपूर्ण सहयोग रहेगा। घर परिवार तथा रिश्तेदारों में आपका वर्चस्व कायम रहेगा। किसी धार्मिक योजनाओं में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। मुख्य उद्देश्य खुद को भटकने न दें और जो काम अपने जीवन में खोए हैं उनका कारण जानने की कोशिश करनी होगी। गलत फैसलों की वजह से थोड़ी चिड़चिड़ाहट महसूस हो सकती है, लेकिन खुद को माफ करके अपने बातों को सुधारने का जज्बा बना रहेगा। काम संबंधित बातों पर ध्यान दें। हर एक छोटी मुलाकात की वजह जानने की कोशिश करें। गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। पार्टनर किसी भी विषय में खुलकर बात नहीं करेंगे, लेकिन हर एक बात में आपको उनका सहयोग प्राप्त होता रहेगा। सावधानियां। धन प्राप्ति के कार्यों में कुछ रुकावटें आएगी। आपके द्वारा कोई ऐसा काम हो सकता है जिससे आपकी निंदा आलोचना होगी, इसलिए सावधान रहें। किसी घनिष्ठ मित्र या परिजन के साथ कोई नकारात्मक घटना घटित होने से आपको खुद के अनुभूति होगी। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपनी आज़ादी का पूरा मजा लेने वाले हैं, जिससे आपकी लव लाइफ और भी विकसित होगी। अपनी खूबियों के कारण आप सबके दिल में राज कर रहे हैं। आपके कुछ सभ्य मित्र आज आपकी हर संभव मदद करेंगे और हो सकता है कि भविष्य में उन्हें आपकी सहायता की जरूरत पड़े, इसलिए तैयार रहें। आपके दोस्त आपकी शक्ति, प्रतिभा और दक्षता को भी बढ़ाएंगे। आपका साथी आपको प्रेरित करेगा
और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। बदले में अपने साथी से प्यार व केयर करें और उसके प्रति समर्पित भी रहें। बात करते हैं करियर की। अच्छा करें बेहतरीन पर यही आज का मंत्र है। अच्छा भाग्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, भाग्य आपके साथ है, इसीलिए आप जो भी कड़ी मेहनत करेंगे उससे फायदा और लाभ होना निश्चिंत है। लेन देन में थोड़ा नुकसान या देरी से बचने के लिए धन संबंधित मामलों में सतर्क रहें। अच्छे संबंध आमतौर पर आपसे जरूरतों पर आधारित होते हैं। लोग आपको केवल तभी समझ सकते हैं अगर वो समझना चाहते हों। आपकी शक्ति से आपकी प्रभावशीलता बढ़ेगी। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। याद रखें, इस दुनिया का हर व्यक्ति आपको मदद नहीं करेगा, आपका मदद नहीं करेगा, इसीलिए अपना ध्यान स्वयं रखें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्या आ सकती है। इस समय अपना खान पान और दिनचर्या को अत्यधिक व्यवस्थित रखना चाहिए। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी को सिंदूर चढ़ाए शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।